बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यह मौका देने के लिए। नौजवान या महफिल में बैठे हैं उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी से गुजारिश करता हूं कि सब ज़्यादा नहीं थोड़ा बोलूँगा, ध्यान से सुनना, कि आप पकड़ लें हाथ मेरा तो आसमां छू लूँगा, आप पकड़ लें हाथ मेरा तो आसमां छू लूँगा वरना धरती का फूल धरती में समा जाऊँगा। और विवेक भाई मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। चंद लाइनें हैं कि बुलाकर अपनी महफिल में मुझे बदनाम तो नहीं करोगे, बुलाकर अपनी महफिल में मुझे बदनाम तो नहीं करोगे, कहीं लगा कर मेरी बोली मुझे सरेआम नीलाम तो नहीं करोगे। कि जरा कि उसके लिए लिखा है जिससे किसी और को मोहब्बत है, उसके लिए लिखा है कि जरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे खालीपन को भर, मेरे खालीपन को भर, तुझे किस बात की जल्दी है। जरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे खालीपन को भर, तुझे किस बात की जल्दी है। क्या तू भी करती है किसी और से मोहब्बत, क्या तू भी करती है किसी और से मोहब्बत, जो तुझे मुझसे ज्यादा उससे मिलने की जल्दी है। एक लाइन वो है जो अंतिम में हमें जाना, ये भी सब जाना है कि खूब निहार लो इस चेहरे को, ये चेहरा किसी काम ना आना है। खूब निहार लो इस चेहरे को, ये चेहरा किसी काम ना आना है, और जो गुमार करता है ना इस शरीर पर, ये भी शमशान में जाना है। और अभी होली गई है और तो उसी पे मैंने लिखा है कि महफिल तुम सजाओ, जाम हम मंगा लेंगे, महफिल तुम सजाओ जाम हम मंगा लेंगे, गिलास की क्यों फिक्र करता है प्यारे, गिलास तो पड़ोसी भी मंगा लेंगे। के उसके लिए लिखा है, उसी के लिए लिखा है कि ना हिंदी चाहिए ना इंग्लिश चाहिए, ना हिंदी चाहिए ना इंग्लिश चाहिए, मुझे तो तेरी निगाहों का नशा चाहिए। अगर पिला सके तो पिला दे एक बार, अगर पिला सके तो पिला दे एक बार, फिर नशा सारी उम्र चाहिए। और एक वो लिखा है, वो लिखा है कि सबके दिल में है वो। अच्छा, एक वो लिखा है सबके दिल में है वो, कि चिंगारियों को इतना ना भड़काओ कि रखी हुई राख में भी धसक पैदा हो जाए, कि चिंगारियों को इतना ना भड़काओ कि रखी हुई राख में भी धसक पैदा हो जाए, अपना घर जले तो जले पड़ोसी का ना जल जाए, अपना घर जले तो जले पड़ोसी का ना जल जाए। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं स्वामी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मेरी तहे दिल से मेरे दिल में आपके लिए एक जगह है और वो जगह जब तक मेरी सांस रहेगी आपके लिए रहेगी। तो मैं आपको वही कहता हूँ कि मेरे बुलाने से आ जाया करो, मेरे बुलाने से आ जाया करो, मेरे दिल का दरवाज़ा खोल जाया करो, मेरे बुलाने से आ जाया करो, मेरे दिल का दरवाज़ा खोल जाया करो, मेरी बस मुद्दत है इतनी तुमसे, मेरी बस मुद्दत है तुम इनसे, कि मेरे घर का रास्ता कभी ना भूल जाया करो। और मेरी एक छोटी सी कविता विवेक भाई, वो कविता ऐसे है, कोई पेड़ कट जाता है उसमें से कहीं वो कोई पेड़ फूट कर बाहर आता है, उस पे वो मेरी चंद लाइनें हैं और मेरी आखिरी लाइनें होंगी कि मैं वो वृक्ष नहीं जो जड़ से कट जाऊंगा फिर फूट कर बाहर आऊंगा, मैं वो वृक्ष नहीं जो जड़ से कट जाऊंगा फिर फूट कर बाहर आऊंगा,
ना डरूंगा आंधियों से तूफानों से सितम हर सहूंगा। ना डरूंगा आंधियों से तूफानों से सितम हर सहूंगा। नन्हे से वृक्ष से फिर विशाल पेड़ बन जाऊंगा, फिर कटकर किसी के अंतिम सफर पर काम आऊंगा। मैं वो वृक्ष नहीं जो जड़ से कट जाऊंगा, फिर फूटकर बाहर आऊंगा।